नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा टेबुलेशन। अब देखिए, इसमें ये एक मुझे टेबल दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन थाउजेंड्स। अब ये देखिए, मुझे पांच टाइप दिए हुए हैं खिलौनों के, टाइप ए बी सी डी और ई, और ये पांच साल दिए, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, इसमें इसका प्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि थाउजेंड्स में, हजारों में है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन डी टाइप फ्रॉम 2003 टू 2005। कहता है जो डी टाइप का खिलौना है उसमें 2003 से 2005 में कितने प्रतिशत बढ़त हुई है उत्पादन में। अब देखिए, डी टाइप के खिलौने में 2003 में प्रोडक्शन कितना था जी, 105, और 2005 में कितना हो गया जी, 125 हो गया है। तो उसने बोला कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए, 2005 में हो चुका है 125, तो मैंने लिखा जी यहां पर 125, उसमें से माइनस कर दिया, पहले कितना था जी 105, और बटे में कितना जी, पहले कितना था 105, तो अब 125 हो गया है 105 से, तो कितना बढ़ा जी 20, और बटे कितना था पहले 105। अब ये उसने परसेंटेज में पूछा है, तो गुना 100, ठीक है जी। अब 5 से काटेंगे, देखिए 5 से 100 कितने पे कटेगा जी, 20 पे, और 5 से 105 कितने पे कटेगा जी, 21 पे कट जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20 गुना 20, ये आ गया जी आपका 400 बटे आ गया जी 21, ठीक है जी। उसने अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज पूछा है। अब अगर मैं 21 से 400 को कटूंगा तो लगभग लगभग मेरा 19% आएगा जी, 19 पॉइंट समथिंग, और वो 19 के बहुत क्लोज होगा। तो मैं अप्रोक्सीमेशन में बोलूंगा जी कि 19% कि 2003 में, 2005 में 2003 के मुकाबले कितने जी, 19% की वृद्धि हुई है उत्पादन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ड्रॉप इन टाइप ए फ्रॉम 2002 टू 2004। कहता है जो ए नंबर टाइप है उसके प्रोडक्शन में 2002 के मुकाबले 2004 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब देखिए, ए में सन 2000 में प्रोडक्शन कितना था जी, 200, और अब 2004 में कितना हो चुका है जी, 180। अब देखिए क्या बोला उसने, तो कैसे निकालेंगे, पहले था जी 200, अब कितना हो चुका है, अब हो चुका है जी 180, तो 200 माइनस 180, और पहले था कितना जी 200, तो 200 से 180 हो गया, कितना कम हो गया जी 20, और पहले था कितना जी 200 गुना 100। अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, और 2 से जो 20 कटा वो कितना आ गया जी, 10% आ गया मेरा आंसर। तो मैं चार ऑप्शन में से 10% पर टिक कर दूंगा, तो यानी कि 2000 जो हमारा टाइप ए है उसके प्रोडक्शन में 2002 से 2004 में जो कमी आई है वो कितनी आई है जी, 10% की कमी आई है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ऑल टाइप्स फ्रॉम 2005 टू 2006। कहता है जी लगभग लगभग बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में, ठीक है जी, 2005 से 2006 में। तो पहले 2005 में सारे टाइप का मुझे टोटल करना है प्रोडक्शन का। अब देखिए 2005 में ये सारे टाइप है ए बी सी डी, तो पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पे अलग से नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं जी कि 2005 में टोटल कितना होगा, ठीक है जी, वो मैं यहां नीचे लिखूंगा 2005 का टोटल, और यहां पे लिखूंगा जी मैं 2006 का टोटल। अब देखिए ध्यान से, 2005 में टोटल करते हैं, यहां से चलते हैं जी इकाई के अंक से, देखिए 5 और 5 10, ठीक है जी, 10 और 0 10 ही रहा, फिर 10 ही रहा, 10 और 5 15, ठीक है जी, 15 का आ गया जी 5, कितना बचा 1, उस 1 को आगे कैरी किया, फिर 7 और 1 8, 8 और 2 10, ठीक है जी, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और 18 और 9 हो गया जी आपका 27, 27 का आ गया जी 7। अब आगे 2 कैरी किया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 और 1 6, तो यहां पर आ गया जी मेरा कितना, 2005 का मेरा टोटल आ गया जी 675, ठीक है जी, यहां पर मेरा आंसर आ गया है 2005 में 675। अब बात करते हैं 2006 की, अब 2006 में भी टोटल करना है, देखिए 0 और 5 5, फिर 5 और 0 5, 5 और 5 10, ठीक है जी, और 10 और 0 10 का 0 ही रहा, आगे 1 कैरी किया, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 का आ गया जी 5, अब कितना कैरी किया जी, 2 आगे कैरी कर लिया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 और 2 7, तो 2006 में मेरा टोटल कितना आ गया जी, 2006 में मेरा टोटल आ गया 750, और 2005 में मेरा टोटल कितना था जी, 2005 में मेरा टोटल था जी 675। अब उसने क्या बोला, उसने बोला द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ऑल टाइप्स फ्रॉम 2005 से 2006, 2005 से 2006 में कितने प्रतिशत बढ़ा है। अब देखिए 2006 में कितना है, 750, ठीक है जी, 750 हो गए, और पहले कितना था जी 675 था, ठीक है जी, तो 750 माइनस 675, और बटे में कितना आ गया जी 675।
और देखिए 750 में से 675 अगर मैंने घटाया तो यानी कि कितना बढ़ गया जी, 75 बढ़ गया है, और पहले कितना था जी, 675 था गुना 100, ठीक है जी। अब देखिए 75 से मेरा 675 घटेगा नीचे 9 पर, और 9 से मेरा 100 घटा जी, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेशन में 11.11 के लगभग आएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में 11% बोल सकते हैं जी। तो मेरा आंसर आ गया जी कितना, 11%। तो ये कह रहा है कि 2005 से 2006 में सारे के सारे प्रोडक्शन, हर टाइप के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ जी, 11% हुआ है। अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे, देखिए उसने क्या बोला, कहता है द डिफरेंस ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज ऑफ द टाइप बी एंड टाइप सी मैन्युफैक्चर्ड ओवर द ईयर वाज, कहता है कि टाइप बी के जो भी है, जितना भी टाइप बी का प्रोडक्शन है सारे सालों में और टाइप सी का प्रोडक्शन है सारे सालों में, उसका जो एवरेज अगर हम निकालें तो उसके एवरेज का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बी की, ठीक है जी। तो पहले मैं यहां पे बी टाइप का टोटल निकाल लेता हूं कि टोटल बी टाइप का टोटल यहां कितना आएगा और यहां पे सी का टोटल कितना आएगा जी, ताकि हम आगे आसानी से उसकी एवरेज निकाल पाए। तो देखिए ध्यान से लिखिएगा, पहले बी का टोटल करते हैं जी, यहीं पे देखिए 5 और 5 10, ठीक है जी। तो 10 का आ गया जी कितना, 0, ठीक है जी। अब आगे एक बचा 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 का आ गया जी 5, अब कितना बचा जी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 7 8, ठीक है जी। तो बी टाइप का मेरा टोटल आ चुका जी कितना, 850। अब आते हैं सी टाइप के टोटल पे, अब सी का टोटल करते हैं जी, 0 0 0, अब 2, फिर 8 और 2 10, 10 का आ गया 0, कितना बचा जी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 9 और 6 15, और 15 और 7 22, 22 का आ गया जी 2, अब कितना कैरी किया 2, 2 और 1 3, और 1 4 और 1 5, तो यहां पे आ गया जी 520। अब यहां से देखिएगा, ये मेरा आया है जी टोटल, ये आया है बी का टोटल, बी टाइप का टोटल सारे सालों का, ये आया जी सी का टोटल। अब उसने क्या बोला है मुझे, उसने बोला है मुझे एवरेज निकालने के लिए। अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 साल है तो 850 आया टोटल, तो इसका बटा 5 करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा, और इसका बटा 5 करेंगे तो इसका भी एवरेज आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए बी का एवरेज निकालते हैं, तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5, ठीक है जी, 8 के 5 गया, बचा 3, यहाँ पे 35, 5 7 35, तो ये आ गया जिसका एवरेज कितना 170। और इसका एवरेज निकालूंगा 5 से अगर ये कटेगा जी 5 एकम 5, ठीक है जी, फिर ना जाने का 0 और 5 के 20, इसका एवरेज आ गया जी कितना 104। तो बी का एवरेज 170 और सी का एवरेज 104, तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो 170 में से 104 गए, तो मेरा आंसर आ गया जी 66, ये मेरा आंसर है जी। तो यही उसने पूछा था, उसने पूछा था कि बी टाइप का जो एवरेज है और जो सी टाइप का एवरेज है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है जी, तो वो आया जी 66,000, ठीक है जी। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर यही करते हैं कि टेबल को ध्यान से देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर टेबल को देख करके डाटा लिखते हैं, उसके बाद अपने आंसर बताना होता है, ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक टेबुलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।